शहर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मेरे घुमक्कड़ दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं अलगड़ घुमक्कड़ी आज आपके साथ। आज एक ऐसे शहर की कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर देखकर आपको मजा आ जाएगा, और अगर मजा ना आए तो फिर आप कहिएगा। इस शहर को बनारस कहिए, वाराणसी कहिए, या फिर काशी कहिए, या मोक्ष की नगरी मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। पुरोधाओं के लिए यह मोक्ष की नगरी है, तो वहीं युवाओं के लिए हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत कुछ मशहूर है इस शहर में। पान खा लीजिए, ठंडाई पी लीजिए, कचौड़ी खा लीजिए, जलेबी खा लीजिए, घाट घूम लीजिए, पंडित पंडों से मिलिए, धर्म कर्म कर लीजिए, वहां कीर्तन भी कर लीजिए, जो दिल में आए कुछ भी करिए। बनारस एक ऐसी जगह है जहां जीवन भी है और मृत्यु भी है, जहां धर्म कर्म से लेकर हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक भी है। तो आइए आज बनारस के सफर पर चलते हैं और सैर करते हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आपकी लिस्ट में वाराणसी जरूर शामिल होना चाहिए। देश की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में विख्यात वाराणसी में पर्यटकों को बिल्कुल अनोखा अनुभव मिलता है। बनारस की सकरी गलियों में घूमना हो या फिर घाट के किनारे का नजारा देखना हो, ये सब यादगार पल बन जाते हैं। अगर आप वाराणसी जाएं तो जो जगह हम आपको बता रहे हैं उसको अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। तो आइए शुरुआत हम करते हैं मंदिरों से, क्योंकि अगर मंदिर का जिक्र न किया जाए तो बनारस फिर कैसा बनारस, कैसा काशी, कैसी मोक्ष की नगरी। तो वाराणसी काशी के नाम से विख्यात है, और यहाँ के हर सड़क और गली में आपको एक मंदिर जरूर मिल जाएगा। हालांकि गंगा के घाट के किनारे कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक और बनावट के लिहाज से खास महत्व रहा है। यहाँ आकर हर कोई सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर पहुंचता है। यहाँ मंदिर शिव को समर्पित है, यानी कि बम बम बोले। इस मंदिर की छत पर सोना मढ़ा हुआ है, और दुर्गा मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी जरूर जाएं। ऐसा नहीं कि बस इतने ही मंदिर हैं, छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। ये पूरा शहर मंदिरों का शहर ही कहा जाता है, या फिर घाटों का नगर इसको मान लीजिए, क्योंकि वहां जिस तरह के मंदिर हैं वैसे मंदिर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और आइए अब घाट की बात भी कर लेते हैं। वाराणसी को अगर घाटों का शहर कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ कुल 84 घाट हैं, और आपको पता है कि 80 घाट पे लिखी हुई किताब भी बहुत मशहूर है। श्रद्धालु यहाँ गंगा के पवित्र जलों में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। इन घाटों पर बैठने के बाद आप अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। मन की सारी उथल पुथल यहाँ आने के बाद शांत हो जाती है, और जो मजा आता है ना, गुरु पूछिए मत। दरअसल ये जो गुरु शब्द है वो बनारस का संबोधन है। आप बनारस जाएंगे तो आपको इसी शब्द से संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा एक गाली भी है जो बड़ी मशहूर है, लेकिन फिलहाल हम उस गाली को नहीं कह सकते। सुबह सुबह बोटर राइडिंग का भी मजा लिया जा सकता है उस घाट पर। दशाश्वमेध घाट की आरती का अनुभव तो मतलब पूछिए मत, विश्व विख्यात है। इसके अलावा 80 घाट और मणिकर्णिका घाट भी बहुत मशहूर है। अगर आप घाट पर जाते हैं और शाम को 80 घाट पर गए और नींबू की चाय नहीं पिया आपने, तो फिर कैसा मजा। वहां तो पंडित पंडा मुल्ला मौलवी, उसके साथ साथ नए जो प्रेमी युगल होते हैं, जो वहां के स्टूडेंट होते हैं, मतलब वहां बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक है। इसके अलावा वहाँ का कुश्ती अखाड़ा भैया जरूर जाइए। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो अखाड़ा देखना न भूलें। कुश्ती करने वाले युवाओं को देखकर आप में खुद ही जोश आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो चुनार का किला, यह बनारस से 37 किलोमीटर दूर है। इसके दोनों ओर गंगा नदी बहती है। किले की बनावट देखकर ही आप इलाके की गौरव गाथा का अंदाजा लगा सकते हैं, और इसके साथ वो जो नदी बहती है ना, वो किलों को क्या खूबसूरत बना देती है। ऐसा नहीं है कि बनारस में इतनी ही चीजें घूमने की हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें घूमने की हैं। आप रामनगर को ले लीजिए। रामनगर के किले को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई बार जिक्र किया होगा। बहुत से बॉलीवुड के लोग रामनगर भाग के आते थे, और खासकर अगर 90 के दशक की बात करें तो लगभग मैक्सिमम फिल्मों में आप रामनगर को देख सकते हैं। 80 घाट पर खड़े होकर आप आसानी से रामनगर का किला देख सकते हैं, लेकिन इसकी भव्यता को देखने के लिए आपको एक बार इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि भाई इसकी तो बात ही निराली है। और बनारस की बात करें और सारनाथ की बात ना हो तो फिर कैसा बनारस। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो आप सारनाथ जा सकते हैं। वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ बौद्धों का तीर्थ स्थल है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, और उसके बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसके आसपास कई खूबसूरत स्तूप और मंदिर भी हैं। देखिए भाई, एक बात हम बता दें आपको, बनारस में इतना कुछ घूमने को, देखने को और खाने को है कि आप लोगों की ये शिकायत हो सकती है कि भैया आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया।
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सब कुछ बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा और फिर आप लोग कहेंगे कि ये वीडियो बहुत लंबा है। लेकिन हम आपको उन चीजों के बारे में जरूर बता रहे हैं जो वहां पे बड़ी खास है। और अगर आप बनारस जाते हैं और खाने पाने का जिक्र ना हो, यानी पाने का मतलब पान की बात कर रहा हूँ, खाने का मतलब खाने से कर रहा हूँ, पीने की भी बात कर लेता हूँ, तो फिर बनारस अधूरा रह जाएगा। आप बनारस जाइए तो जलेबी जरूर खाइए। बनारस का पान तो विश्व विख्यात है, आपको पता होगा कि बनारस के पान के बारे में, बनारसी पान तो मतलब पूछिए मत। उसके साथ ही वहां की लस्सी बहुत मशहूर है। उसके बाद गुरु ठंडई, लेकिन ठंडई पीजिएगा तो संभाल के पीजिएगा, क्योंकि ठंडई का मतलब कोई ठंडा मत समझ लीजिएगा, ठंडई का मतलब होता है भांग। और अगर आप गए और कहीं जोश जोश में ठंडई पी लिए और आपको पता नहीं कि उस ठंडई में कितना ठंडा मिला हुआ है, तो आप वहीं कहीं सड़क पे लुढ़के नजर आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ठंडई लेने से पहले पूछ लीजिएगा, भैया इसको हम पी के अपने घर तक जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो ठंडई के मजे में कहीं ऐसा कि भांग आपके ऊपर चढ़ गई, आपके दिमाग तक पहुंच गई, तो फिर तो समझ लीजिए कि वहां बनारस की सड़कों पे तांडव भी खूब होता है, क्योंकि शिव की नगरी है वो। तो वहां खान पान से पहले, और अगर आपको बात करें तो वहां चाट जरूर खाइएगा, क्योंकि जो बनारस का चाट है ना गुरु, उसका मजा ही कुछ और है। और इसके अलावा बात करें तो रामनगर फोर्ट भी बड़ी मशहूर जगह है। मुगल स्थापत्य में बनाया गया रामनगर किला से गंगा नदी का घाट खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। 1750 में राजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दशहरा के दौरान इस किले को खूब सजाया जाता है और रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। यह शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये सब कुछ है बनारस के अंदर ही। इसके अलावा गुरु बहुत कुछ देखने लायक है। हम आपको पहले बता देना कि कुछ चीजें हम नहीं बताए हैं, क्योंकि अगर उसको हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं, बनारस जाना चाहते हैं और बनारस में आप देखना चाहते हैं ये सारी चीजें, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आपको हमारी सभी वीडियो मिलने लगेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त बनारस जाएं तो उनको ये भेजिए, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप अल्लर घुमक्कड़ी के साथ रहना चाहते हैं और आप घुमक्कड़ी का मजा लेना चाहते हैं, तो फिर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और करिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो गुरु बहुत जल्दी मिलते हैं हम आप लोगों से।